नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा MNS न्यूज़ लाइव से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं नागपुर के मशहूर टैटू आर्टिस्ट प्रदीप मुलानी से, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आइए कुछ उनसे बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नागपुर के मशहूर टैटू आर्टिस्ट से, जो अब और मशहूर हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बोलना चाहेंगे आप इस बैक के बारे में? मेरे को टैटू इंडस्ट्री में आए हुए 3 साल हुए हैं। और जिस दिन मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मेरे को जैसे जैसे लोगों का सपोर्ट मिलते गया, मेरे भाइयों का सपोर्ट मिलते गया, तो मैंने सोचा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कोई ना कोई हिस्ट्री क्रिएट करूँगा, जिससे मेरा फैमिली और मेरे जो फ्रेंड्स जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो प्राउड फील करें। तो मैं रोज़ गूगल पे सर्च करता था कि नागपुर में ऐसा क्या नया है जो हो रहा है, या इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसा क्या नया है जो हो रहा है। तो मैंने वर्ल्ड के एक जर्मनी केंटन डी वॉन करके एक आर्टिस्ट है, हाँ, उन्होंने 24 आवर्स में 400 टैटू किए थे, कैट डी वॉन, या कैट डी वॉन, तो उन्होंने या इट्स ओके। तो हम लोगों ने वो रिकॉर्ड पढ़े, जो भी है उनकी गाइडलाइंस क्या है वो सब चीज़ें पढ़े। उन गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए मैंने 16 आवर्स में उन लोगों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, ठीक है। और मेरे को इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट टैटू आर्टिस्ट माना जाता है, हाँ। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए 16 आवर्स में मैंने 422 टैटूज़ कर लिया था, हाँ। और मैंने उसको सेट किया 22 आवर्स में 448 टैटूज़ पे, जी। तो जो मेरा सपना था कि मैं एज अ टैटू आर्टिस्ट एक हिस्ट्री क्रिएट करूँगा, वो चीज़ मेरे को वहाँ से मिली। और उसके बाद मेरे को काफ़ी लोगों का प्यार मिला, मेरे को काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, जिस चीज़ की मेरे डैड मिस्टर विनोद मुलानी, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ दी है कि तुम ये करो। एक फैमिली के परमिशन के बिना ये चीज़ें होना बहुत नामुमकिन है। जब मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, रात को 1:05 के आसपास हो रहा था, उस समय पे यानी डैड ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और वो मेरे साथ बाहर बैठे हुए थे, और ही वॉज़ लाइक कि तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो पूरे बार बस यही बोलते रहे। और उनके सपोर्ट की वजह से मैं ये हुआ। मेरा रिकॉर्ड टूटने के बाद भी वो 1 घंटे तक यहीं बैठे थे। उनके बाद मैंने उनको बोला कि डैड यू हैव टू गो होम, ये काफ़ी समय हो गया है, मैं मॉर्निंग तक अपना रिकॉर्ड कंप्लीट रख के आपको बताऊँगा। तो मैंने जब रात को 1 बजे तोड़ा था, तो भी मैंने उसको सुबह 7 बजे ख़त्म किया। अगर मैं उसको रोकना चाहता तो करीबन मैं रात को 1 बजे ही रोक सकता था, क्योंकि मैंने 16 आवर्स में ही 422 टैटूज कर लिया था, रिकॉर्ड हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने उसमें कुछ मीनिंगफुल टैटूज लाए, जैसे मैंने अपना जो लास्ट टैटू जहाँ पे एंड अप दिया वो था सेव गर्ल सेव चाइल्ड, हाँ, जिसमें एक लड़की थी उसके फेस पे हाथ था और वहाँ नीचे लिखा हुआ था कि सेव गर्ल सेव चाइल्ड, और लड़की के आइज़ में जेल दिख रही थी। तो वो कंसेप्ट मैंने निकाला ताकि एक मैसेज इंडिया को भी मिलना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कि वो सिर्फ वर्ल्ड को मिलना चाहिए, वो मैसेज सिर्फ इंडिया को मिलना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जिनको अपने को रोक लगानी है। तो मैं ऐसा अपनी आर्टिस्ट फील्ड वो चीज़ बताना चाहता था। तो ये एक स्पेसिफिकली वन पर्सन पे आपने सब सारे टैटूज बनाए कि नहीं? इंडिया का जब रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया, जो मैंने 8 घंटे में ब्रेक किया था, इंडिया का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 1 tattoo done on 1 body, इट्स 210, मैंने उसको सेट किया 223 पे, या और वो रिकॉर्ड हमने इंडिया का 8 घंटे में तोड़ दिया था। वर्ल्ड का रिकॉर्ड हमने 16 आवर्स में तोड़ा, और उसके बाद हमने 22 आवर्स तक उसको लेके गए एक ही स्ट्रेच पे बैठे हुए। 4 आवर्स के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की गाइडलाइंस है, जिसका हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पालन बोल सकते हैं करते हुए हमने पूरी चीज़ें बराबर की है। एंड द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स, बाकी के सारे जो टैटूज बनाए हैं अपने बचे हुए टैटूज, तो वो किस पर? बाकी जो टैटूज है, मैंने टोटल 20 पर्सन्स पर टैटू किया, जिसमें से एक हमारे फ्रेंड थे सागर गंधर्व जो वहाँ हैं, और संकेत कुकड़े थे, और ऐसे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने रिकॉर्ड टूटने के बाद मेरे को सपोर्ट दिया कि तुमको अभी ये चीज़ हम लोग करेंगे, कि इसको हम लोग एक स्ट्रेच पे इतना सेट करें, ठीक है। अब मेरे पास 2 घंटे और बचे थे, अगर मैं चाहता तो उसको 600 तक भी सेट कर सकता था, बट आई डोंट वांट टू दैट थिंग कि किसी को लगे कि इन्होंने काफ़ी ओवर कर दिया है ये चीज़ों को लेके हुए, हाँ। अगर वो एक चीज़ लगनी चाहिए कि हमने 16 आवर्स में रिकॉर्ड ब्रेक किया, इट्स अ ह्यूज, एक बोल सकते कि अगर इसको फॉरेन मीडिया देखे तो वो ये बोलना चाहिए कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। और एक नागपुर का 21 ईयर का लड़का अगर वो चीज़ को कॉम्पीट कर रहा है एक 26 ईयर्स की लेडी को, तो वो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने जो किए, मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट था,
ही इज़ अ जय करमचंदानी, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इनका भी, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा हाथ था मेरे को इस सब चीज़ों में लेके आने के लिए। और मेरे को मेरे रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद बीजेपी युवा मोर्चा टीम, नागपुर सिटी लीडर प्रवीण दटके, इन्होंने मेरा सत्कार किया वो सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद। और मेरे को इस सब चीज़ों में काफ़ी साथ देने के लिए शिवानी दानी करके हैं जो नागपुर की लीडर हैं, और जितेंद्र ठाकुर हैं जो नागपुर के महामंत्री हैं, सागर गंधर्व, संकेत कुकड़े, और एज अ फ्रेंड जय करमचंदानी और गौरव वासवानी ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया था ये सब चीज़ों को लेके हुए। तो हमने काफ़ी सोच समझ के पूरी चीज़ों को प्लान करके ये चीज़ की थी कि मैंने जैसा आपको बताया शुरुआत में कि मैं एज अ टाटू आर्टिस्ट कुछ ना कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता था, तो मैंने वो चीज़ क्रिएट की। तो है, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिली है? फैमिली का सपोर्ट रहा है हर चीज़ से, दोस्तों का सपोर्ट रहा है सब चीज़ें करने के लिए, तो स्टार्टिंग से आपने शुरुआत टैटू आर्टिस्ट की क्या सोच के? इट्स अ पैशन और आप मेकिंग, और यू आर मेकिंग ओनली मनी? नो, इट्स अ पैशन। बाय पैशन आई एम अ टैटू आर्टिस्ट, एंड बाय प्रोफेशन यू कैन कॉल मी एनीथिंग बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग इन दिस प्रोफेशन, एंड बाय पैशन आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। एक बार मैं और मेरे डैड, पीपल डू इट फॉर मनी, नो, और एंड सम पीपल डू इट फॉर पैशन। सो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि पैशन के लिए ही फुली डेडिकेटेड पूरे हो कि? मैं फुली डेडिकेटेड सिर्फ पैशन के लिए था एज अ टैटू आर्टिस्ट। मैंने कभी ये चीज नहीं सोचा कि मेरे को पैसा कमाना है एज अ टैटू आर्टिस्ट, मेरे को पैसा कमाना है इस फील्ड से, सिर्फ पैसा आ सकता है। ठीक है, काफ़ी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो टैटू एक ऐसी चीज़ है जो फ़िलहाल बहुत डिमांडिंग है, फिर वो इंडिया रहे, अब्रॉड रहे, नागपुर रहे, महाराष्ट्र रहे, एमपी रहे, कुछ भी रहे, तो वो सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए हमने ये नहीं देखा कि हमको पैसा कमाना है। हमने ये चीज़ें सोचा कि कहाँ से नागपुर का नाम हम बिल्डअप कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने ये किया। और एक बार मैं और मेरे डैड सिर्फ एक चाय पीते हुए बैठे थे, मैं डैड के साथ एज अ बिल्डर में साथ में था, तो डैड ने मेरे को बोला था कि यू हैव टू लर्न टैटूइंग। तो मैंने बोला था कि डैड आर यू श्योर, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, तुमको टैटूइंग करना चाहिए। मेरे स्किल्स देखते हुए, मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, और नॉट स्केचिंग, मैं आई वर्क एज अ मॉडल, आई वर्क एज अ एक्टर, मैं मूवी साइन करते करते वापस आया था। ठीक है, देन आई वर्क एज अ टैटू आर्टिस्ट, फिर मैंने सिटी में नाम बिल्डअप किया। मूवी के लिए ऑफर आया था? हाँ, इट्स गुरुजी टेलीफिल्म्स फ्रॉम जयपुर। हाँ, तो वहाँ से मेरे को एक ऑफर था, राजस्थान इंडस्ट्री फॉर हिंदी मूवी, एज अ लीड एक्टर आई हैव टू गॉट एप्लीकेशन फ्रॉम देयर। तो मैंने उन लोगों को वो चीज़ मना किया था क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज थी। तो वो सब चीज़ें को एकदम ध्यान में रखते हुए कि मैंने अपने डैड को एक चीज़ बोला था कि मैं कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट ज़रूर दूंगा कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा, हाँ, आपको इतना प्राउड फील हो कि मैं इनका डैडी हूँ, ये मेरा बेटा नहीं, मैं इनका पापा हूँ। तो वो चीज़ मैंने अपने पापा को दी है इससे। आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तो अप्लाई किया होगा कि जा चुका है? ये जब चीज़ें चालू करनी रहती है तो उनको पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होके आया, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सोच समझ के इसको पूरा प्लान करते करते हम लोगों ने ये चीज़ों को आगे लाए, और गिनीज वर्ल्ड से मेरा रिकॉर्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट होके आया। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें करने के बाद अभी मैं उनको एज अ एविडेंस सब चीज़ें भेज रहा हूँ, उनके पेज पे अपलोड करना रहता है। इट्स नॉट दैट मच इजी कि आप 22 आवर्स का रिकॉर्डिंग एक साथ भेजो, तो हम लोग उसको पूरा पहले पार्ट करके एक साथ उनके पेज पे अपलोड कर रहे हैं, और काफ़ी जल्दी हम नागपुर में एक और गुड न्यूज़ देंगे कि वो बुक के साथ लेबल है। हाँ, वो लेबल मतलब कि RH प्रदीप मुलानी, दैट्स रिकॉर्ड होल्डर प्रदीप मुलानी। या हमने सुना है इस पर प्राइज मनी है अप्रॉक्स 5 करोड़। मैंने मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी है, लेकिन ये गाइडलाइंस अगर होगी भी तो मैंने फिलहाल उस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरा मोटिवेशन, हमने सुना है 5 करोड़। ओके, तो मेरा जो मोटो था, मेरा जो मोटो था वो ये था कि मेरे को हिस्ट्री क्रिएट करना ही है। यू हैव मेड, थैंक यू सो मच। तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई है मेरे हिसाब से। जिस दिन मैं घर गया था यहाँ से, तो मेरे को दिन भर जो कॉल्स आए ये सब हुए, वो सब ठीक है। रात को जब मैं अपने बेड पे जिस समय सोने वाला था, दैट्स टाइम माय डैड कॉल मी कि बाहर आ यू आर ऑन टीवी। तो मेरे लिए हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी थी कि मेरे डैड ने मेरे को बुला लिया और कि तुम टीवी पे हो। तो मैंने वो सब चीज़ों को, यानी जब मेरे को एक फील आया कि नहीं कि आई एम अ टैटू आर्टिस्ट और मैं ही हूँ जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने उस समय पर वो चीज़ें देखी और मेरे लिए वो हिस्ट्री थी। तो
तो 22 आवर्स की फुल जर्नी थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई होंगी वो टाइम पे, तो खाना पीना और तो ऐसा था कि हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगे, तो हमने एक डॉक्टर रखे थे जो हर 4 आवर्स में मेरा चेकअप ले रहे थे, और जो जिनके ऊपर मैंने 223 टैटूज किए थे उनका भी चेकअप ले रहे थे कि उनका सब कुछ नॉर्मल है क्या। और उसके बाद 22 आवर्स तक मैं स्ट्रिक्टली लिक्विड डाइट पे था, मैंने एक भी चीज़ नहीं खाया जिससे मेरे को कुछ तकलीफ हो या ये हो, मैं स्ट्रिक्टली लिक्विड डाइट पे था। और 4 आवर्स के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक मिल रहा था, तो उस समय भी मैंने ये नहीं किया कि मैं एक पावर नैप ले लेता हूँ 15 मिनट्स की, ये वो 22 आवर्स मैंने एक ही स्ट्रेच पे टैटू किया, मैंने कहीं नहीं रुका और कोई नैप नहीं, कोई चीज़ नहीं किया था। तो इनके बारे में हम बात करते हैं जिनके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा टैटूज बनाए हैं, उनका क्या हाल था मुझे जान। ही इज़ वेरी कूल काइंड ऑफ, उसको मैं अपना कैनवास बोलता हूँ, और उनको मैं अगर एक चीज़ बोला जाए अपनी फील्ड और अपने इसमें, तो ही इज़ मेरा हुकुम का इक्का। हाँ, कि जहाँ मैं कहीं भी अगर उसको शो करूँ और बोलूँ कि ये टैटू हमको करना है, तो ही वॉज़ लाइक यू कैन डू एनी थिंग, तो मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हो। तो हमने वो चीज़ों को सोचते सोचते, मैंने वो कहीं आउट ऑफ द टाउन थे, मैंने उनको नागपुर बुलाया सैटरडे नाइट, और संडे मॉर्निंग से उनके ऊपर टैटू करना स्टार्ट किया। सो व्हाट्स योर प्लान नेक्स्ट, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है आपको? नहीं, मैं एक नया रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हूँ जिसको हम लोग नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैंने ऐसा सोचा हूँ कि वो इटली के एक आर्टिस्ट ने 57 आवर्स पर सेट किया है, वो टाइटल है लॉन्गेस्ट टैटू सेशन। इट्स नॉट डिपेंड कि तुम कितने टैटूस कर रहे हो, इट्स डिपेंड कि तुम कितनी देर तक टैटू कर सकते हो। अच्छा। और मेरा गोल है कि मैं उसको 70 आवर्स पे सेट करूँगा, ताकि अगर कोई दूसरी बार इंडिया या इंडियन आर्टिस्ट भी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि नागपुर कभी पीछे आए, तो इंडियन आर्टिस्ट या अब्रॉड आर्टिस्ट इंडिया पे नज़र डाले, तो उसके पहले उनको ये चीज़ नज़र आ जानी चाहिए कि ना इंडिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जहाँ हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सोचें सिर्फ। कैसा लगता है जब इतना फेमस हो जाते हैं, हम इतना प्राउड फील कराते हैं अपने फैमिली को, रिकॉर्ड तोड़ के अपने नागपुर को बढ़ते हुए देखते हैं, तो ये चीज़ जो थी ये सिर्फ ये नहीं थे कि मैं को फेमस होना है, मैं कहीं से जाऊँ तो ये पता रहना चाहिए कि प्रदीप मुरानी जा रहा है, मेरा सिर्फ ये था कि व्हेन माय फ्रेंड्स अगर जाते हैं कहीं से, या इन लोगों को वो प्राउड मोमेंट रहना चाहिए कि ही इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ माय ब्रदर, और मेरे डैड को प्राउड मोमेंट चाहिए कि ही इज़ माय सन। माय मदर वॉज़ लाइक कि तू सिर्फ बोलता था लेकिन तूने करके भी दिखाया, हाँ तू सिर्फ बोलता था कि तू ये करेगा तू वो करेगा लेकिन तूने करके दिखा दिया। तो ये सब चीज़ें करते करते मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ, और जब मेरा BJYM की तरफ से, BJP युवा मोर्चा की तरफ से सत्कार हो रहा था, तो लिटरली मैं रोने पे था, क्योंकि वो चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इमोशनल मोमेंट होता है ना वो। हाँ, तो मैं लिटरली रोने पे था कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और बहुत पेशेंस चाहिए थे वो सब चीज़ें करने के लिए, जो नागपुर शहर की अध्यक्ष शिवानी दानी ने मेरे को दिया। सागर गंदर व संकेत कुकड़े मेरे को लास्ट मोमेंट तक बोल रहे थे कि प्रदीप भाई ये हमारा सपना है, यू हैव टू डू दिस, नहीं तो इनको अपन और पोस्टपोन करेंगे। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। गौरव वासवानी और जयकरम चंदानी ने मेरे को ये चीज़ें नॉट इन रिकॉर्ड कि तुम ये करो, बहुत पहले ये सब चीज़ें भरोसा दिला दी थी कि तुम कर सकते हो अगर तुम अपने लाइन पे रहो तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने ये रिकॉर्ड बनाया। बस क्या है, हमने बोले थे एक बार प्रदीप को कि भाई जो चीज़ पसंद है उसी में बढ़ आगे, कुछ पाना है तो खोने का मत सोच, किसी चीज़ की टेंशन मत ले, तू पाएगा, बहुत अच्छा पाएगा, जो मन में आया वो कर, आगे बढ़ो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, अभी कोई सेमिनार था शायद से लास्ट मंथ, मैं भोपाल फेस्टिवल में था, भोपाल में था। तो मिस्टर कमलनाथ मिश्रा, ही इज़ द ओनर ऑफ इंक ब्लैक लोटस टैटू, और हम लोगों ने ऐसा पार्टनर दी ब्लैक लोटस टैटू में काम किया है, हमारा एक ब्रांच रायपुर में था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कोलाब्रेशन टैटू करेंगे, जिसको करने में आर्टिस्ट लोगों को 36, 38, 40 आवर्स लग जाते हैं। हम दोनों इंडिया के सेकंड फास्टेस्ट टैटू आर्टिस्ट माने जाते हैं, हम दोनों का एक टीम अप, वो टीम अप रहे या हम लोग सिंगल काम करें, हम दोनों इंडिया के फास्टेस्ट टैटू आर्टिस्ट माने जाते हैं। तो वो सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने भोपाल टैटू फेस्टिवल में एंट्री लिया था, जिसमें कमल नयन मिश्रा ने इन ब्लैक एंड ग्रे कैटेगरी में सेकेंड अवार्ड प्लेस किया था। हमारा कुछ कारणवश
जो हमारा टाटू था वो रुक गया था कुछ समय, क्योंकि वहाँ एक टाइम लिमिटेशन होता है कि 7 आवर्स में तुमको टाटू कंप्लीट करना है, एंड इफ़ यू आर डूइंग एक दिन पहले तो तुम्हारा वो जो है वो एक कैटेगरी रहता है बेस्ट ऑफ द डे, उसमें नहीं जाएगा। हम लोगों ने वो सब चीज़ें छोड़ के होटल पे अपना टाटू स्टार्ट किया था, और जब हमने स्टार्ट किया था तो वो एक फील था, ही इज़ माई गुरु, एक्चुअली ही इज़ माई गुरु, उन्होंने मेरे को टैटूइंग सिखाया है, ठीक है, और उनको भी बहुत प्राउड है कि मेरा स्टूडेंट, यानी जो चीज़ें मैं सोचा वो चीज़ें मेरे स्टूडेंट ने करके कर दिया, तो उनको भी बहुत प्राउड मोमेंट है वो सब चीज़ों का। उन्हें पता है, मतलब उन्होंने, उनको तो बताया होगा आपने कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है या मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ, तब क्या रिएक्शन था? रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा था तब मैंने कमल नयन मिश्रा को एक भी चीज़ नहीं बताया था कि मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ और मैं ये सब चीज़ें करने वाला हूँ। तो उन सब चीज़ों को रोकते रोकते जब वो चीज़ कंप्लीट हुई तो ही वॉज लाइक कि यार यू आर माय बॉय, तुमने कुछ करके दिखाया। वो चीज़ थी जो चाहिए थी, एक गुरु को, एक गुरु से मिले वो चीज़ मिली मेरे को। तो थैंक यू मैकांशा MNS न्यूज़ चैनल से।